हाय दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। मनीष डेवलपर हैं और प्रोजेक्ट का नाम है महादेव पैराडाइज। बना हुआ है, रेडी टू मूव प्रोडक्ट है। OC आ चुका है इसमें, BMBMC वाटर भी आ चुका है, गैस पाइपलाइन इसमें आ चुका है भी। इसमें वेट एंड वॉच नहीं है, आप पूरा पेमेंट करें, चाहे आपका लोन हो चाहे आपका ऑन फाइनेंस हो, आप पूरा पेमेंट देते ही घर का लॉक एंड की आप चाबी ले सकते हैं। OC के साथ टाइटल क्लियर प्रोजेक्ट है ये। इसमें 1 BHK और 2 BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी है। 1 BHK में 400 से स्टार्ट है और 400 से लेके 500 यानी 400 से 500 स्क्वायर फुट के बीच में अलग अलग चार साइज में 1 BHK है और 2 BHK की प्रॉपर्टी 712 स्क्वायर फुट 712 यानी 712 712 स्क्वायर फुट का 2 BHK का प्रॉपर्टी है विद डाइनिंग एरिया के साथ में। एल शेप में इसका हॉल है दोस्तों। प्राइजिंग में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप हमें ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें तो आपको मैं प्राइजिंग वगैरह सब सजेस्ट करूंगा। उसके बाद ख़रीदने के लिए भी फ़ोन करें, डिटेल भी जानने के लिए फ़ोन करें। इसमें फ्लोर बता दूं कि 8 माले की बिल्डिंग है ये, मेन इंद्रलोक रोड पे बना हुआ है। नीचे कुछ कमर्शियल के जो कनेक्टिविटी है, नीचे आपको रिक्शा स्टॉप बस स्टॉप वगैरह मिल जाता है। नीचे कुछ आपको जो ग्रॉसरी शॉप या केक शॉप मिठाई शॉप ये सब भी लोकल के ज़्यादा सारी दुकानें आपको मिल जाती है, जो आप आगे मैं अभी दिखाऊँगा रोड का कनेक्टिविटी। साथ ही साथ नीचे आप देखें तो ओपन पार्किंग और कवर पार्किंग का भी प्रोविज़न किया हुआ है। अगर आप कवर पार्किंग चाहते हैं तो उसका आपको प्राइस देना पड़ेगा। ओपन पार्किंग तो फ्री है, ओपन का पार्किंग का फर्स्ट कम फर्स्ट वाला सिस्टम है। दूसरा, इसमें सारी फैसिलिटीज़ है। कुछ भी इसमें टाइटल के बारे में कुछ बात नहीं करना है। किसी भी बैंक से आपको लोन लेना हो तो इजीली आपको लोन मिल जाएगा। और कुछ बेसिक जानकारी आपको चाहिए तो आप बताएं। OC आ चुका है इसका, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मैं आपको पहले 2 BHK का फ्लैट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं 1 BHK दिखाऊंगा। बिल्डिंग का एलिवेशन, एंट्रेंस, लॉबी, नीचे इसका ओपन पार्किंग, कवर्ड पार्किंग कैसा क्या है, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप पूरी तरह से घर बैठे देख लें, समझ लें, उसके बाद आप ख़रीदने के लिए हमें फ़ोन करें। इसमें हमारे पास डेवलपर के फ्लैट भी हैं, कुछ इन्वेस्टर्स के फ्लैट भी हैं जो चीप रेट में हैं। तो आप मुझे, अगर आप डेवलपर फ्लैट भी लेना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टर फ्लैट भी लेना चाहते हैं, तो दोनों के लिए आप हमें फ़ोन करें। क्योंकि इन्वेस्टर फ्लैट के सेल के लिए हमारी जो टीम है रीसेल वाली, वो अलग से है, और डेवलपर फ्लैट को काम करते हैं जो हम डेवलपर के साथ में मिलके, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना रहता है, कोई आपका ब्रोकरेज फीस नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पर हम बिल्डर के पेरोल पे ही काम करते हैं, उसमें कुछ भी आपका चार्जेस नहीं लगता है। तो आप उसके लिए भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। अभी आइए मैं आपको 2 BHK का प्रॉपर्टी दिखाता हूँ किस टाइप का है। यहाँ से इसका 2 BHK का फ्लैट स्टार्ट हो रहा है और मैं बता चुका हूँ कि इसमें डाइनिंग के साथ में ये आपको 2 BHK दे रहे हैं। ये इसका हाइट है और इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको करीबन 6 से 8 चेयर का आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, इतना प्रॉपर इन्होंने जगह दिया हुआ है। और इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको एक बालकनी दिया हुआ है करीबन 2 से 3 फुट का, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्या है कि मिट्टी वगैरह रखा हुआ है, जब आप फ्लैट लेंगे तो आपको नीट एंड क्लीन करके साफ़ सुथरा करके दिया जाएगा, बिकॉज लेबर लोग। और इसमें एक प्लस पॉइंट और है, यहाँ पे आपको बिल्डर ग्रिल लगा के दे रहे हैं, क्योंकि जनरली आप देखें तो डेवलपर ग्रिल लगा के नहीं देते हैं। ये मनीष डेवलपर का ही एक काम ऐसा है कि ये ग्रिल लगा के कवर करके देते हैं आपको, तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है मनीष डेवलपर का। और हर एक फ्लैट में बालकनी के साथ आपको मिल रहा है। ये इसकी लेंथ है पूरा हॉल का, और इस तरफ आपको डाइनिंग एरिया मिलता है, इसके आप ऊपर आपको वाटर टैंक का स्टोरेज मिल रहा है, प्लस एक्स्ट्रा जो आपके घर के सामान होते हैं वो भी आप यहाँ पे स्टॉक कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका कॉमन वॉशरूम है ये। कॉमन वॉशरूम में मनीष डेवलपर का कंसेप्ट सीधा सीधा, पहले बेसिन, फिर बाथ एरिया, फिर एंड में इसका कमोड एरिया रहता है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग कमोड बीच में दे देते हैं, इन्होंने कमोड लास्ट में एंड में दिया हुआ है। हाइट वगैरह ये सेम रहेगा, क्योंकि मैं जो फ्लैट दिखा रहा हूँ ये कोई बाहर का फ्लैट नहीं है, ये एक्चुअल फ्लैट है। किचन में हम आ जाते हैं, किचन में सर्विस प्लेटफॉर्म है, ये गैस प्लेटफॉर्म है और ये इसका सर्विस प्लेटफॉर्म है। और बाहर के साइड आप देख सकते हैं, ये इसका ड्राई एरिया बना हुआ है। ड्राई एरिया यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह के लिए है। नेट खराब हो जाने के कारण कुछ कबूतरों ने गंदा किया है। ये आप जब फ्लैट लेंगे तो आपको सब नीट एंड क्लीन साफ सुथरा करके दिया जाएगा, यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है।
किचन में एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको फ्रिज का स्पेस मिलता है। अभी इसका देखते हैं दोनों बेडरूम कैसा है, कॉमन बेडरूम और मास्टर बेडरूम। पहले मैं कॉमन बेडरूम दिखाता हूँ। कॉमन बेडरूम में भी आप देखें तो बालकनी है बड़ी, और ये इसका कॉमन बेडरूम है। तो बालकनी जो है, अगर आपको बेडरूम छोटा लगता है तो आप इसके बालकनी को भी अंदर अटैच कर सकते हैं। अगर इसके भराई करने के बाद तो करीबन 3 फुट का जगह आपको बालकनी में बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा बालकनी इन्होंने दिया है। साथ ही साथ चारों तरफ का वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, सामने कोई ब्लॉकेज नहीं है। सामने आप देख सकते हैं इसका रोड व्यू बहुत अच्छा है, और ये इसकी लेंथ है बेडरूम की। ये सेम फिनिशिंग आपको एज इट इज आने वाला है, नीट एंड क्लीन करके प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का वर्क जो बैलेंस बाकी रहेगा वो आपको करके देंगे। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट होता है, और मास्टर बेडरूम में जब एंट्री करते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट है, एंड में टॉयलेट दिया हुआ है, बीच में बाथ एरिया, कमोड एरिया। अब मैं आपको लेके आया हूँ मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की लेंथ आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं एक इस बेडरूम का प्लस पॉइंट क्या है कि इस तरफ भी आपको विंडो मिलता है, और दूसरी तरफ दो साइड विंडो मिलने का फ़ायदा क्या है कि दो साइड जहाँ पे विंडो मिलता है ना, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। बिकॉज़ अगर ईस्ट से हवा आती है तो वेस्ट में चला जाता है, वेस्ट से हवा आती है तो यहाँ पर एक अच्छा वेंटिलेशन आपको मिल जाता है। काफ़ी बड़ा एक स्टेडियम है जो मिरावड़ में काफ़ी फेमस है। आए दिनों यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बड़े बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज होता रहता है। साथ ही साथ इंद्रलोक रोड को मैंने दिखाया आपको। अब मैं विंडो के साइड से आपको वार्डरोब का स्पेस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक अलग से स्पेस दिया हुआ है, वार्डरोब बना सकते हैं, स्टोरेज बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, क्योंकि करीबन ये 4 से 5 फुट का स्पेस दिया हुआ है। तो ये एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है। अकबर अंदर से आपको मैं 2 BHK का व्यू दिखाता हूँ, रिटर्न में कैसा है। ये इसका पूरा 2 BHK का अंदर से है, इस तरफ विंडो, डाइनिंग एरिया, और इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ 1 BHK में कि 1 BHK का कैसा है। पहले मैं आपको कुछ पैसेज और स्टेयरकेस दिखा देता हूँ। इस तरफ इसका ये स्टेयरकेस आ जाता है, और आगे मैं लिफ्ट एरिया आपको दिखाता हूँ किस टाइप का है। इस तरफ आपको 2 ऑटोमेटिक लिफ्ट मिल रहा है, और ये पूरा इसका पैसेज एरिया है। यहाँ पे आपको दो विंग को ज्वाइंट किया हुआ है, ए और बी, दो विंग की सोसाइटी है ये, और पूरे के पूरे हिंदू लोकैलिटी के लोग हैं इसमें। आप देख सकते हैं आपको 4 लिफ्ट 2 स्टेयरकेस मिल रहा है। तो पूरी फैसिलिटीज़ और गवर्नमेंट के टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से ही इन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया है, ये आप देख के समझ सकते हैं। और ज़्यादातर हिंदू लोकैलिटी के लोग हैं, अच्छी लोकैलिटी के लोग हैं यहाँ पे। और अभी मैं आपको 1 BHK दिखाता हूँ। ये सेम हाइट, सेम साइज और सेम स्ट्रक्चर आपको 1 BHK में मिलने वाला है। व्यू का फ़र्क हो जाएगा, अगर आप ईस्ट ओपन लेंगे तो ईस्ट का व्यू अलग आ जाएगा, ये वेस्ट ओपन है। और इसकी ख़ास बात ये है कि सामने आप देख सकते हैं छोटी छोटी बिल्डिंग है, यहाँ से पूरा आपको ओपन व्यू मिलता है। अभी मैं जो खड़ा होकर शूट कर रहा हूँ 7th फ्लोर पर है, नीचे भी फ्लैट है, अगर आप लोअर फ्लोर में भी इंटरेस्टेड हैं तो भी आप ले सकते हैं। ये इसका बालकनी है, करीबन 2 से 3 फुट का बालकनी दिया हुआ है, और सामने आपको ओपन व्यू मिलता है अगर आप हायर फ्लोर से लेते हैं तो। और लोअर फ्लोर पे अगर आप लेना चाहते हैं तो लोअर फ्लोर पे भी आपको मिल जाता है। ये विंडो के साइड से
एक बार देखें, ये लेंथ आपको 1 BHK के हॉल को मिल रहा है, लिविंग डाइनिंग को मिल रहा है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड पे इसका कॉमन वॉशरूम है, जिसमें सेम कॉन्सेप्ट, एंड में इसका टॉयलेट, बीच में इसका बाथ एरिया प्लस बेसिन एरिया दिया हुआ है। उसके बाद फिर आज जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको किचन मिलता है। किचन में गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, साथ ही साथ फ्रिज का स्पेस, और इसके बाद आपको एक बाहर अच्छा बड़ा ड्राई एरिया मिल रहा है वॉशिंग मशीन के लिए, जहाँ पे आपको वाटर टैब और इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट भी बाहर दिया हुआ है। और इसके बाद देखते हैं इसका बेडरूम कैसा है। बेडरूम में भी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि मास्टर बेडरूम दिया हुआ है इन्होंने वार्डरोब के स्पेस के साथ। ये आप देख सकते हैं, ये भी रोड फेसिंग फ्लैट है, 3 फुट की बालकनी है। अगर बेडरूम आपको प्रॉपर लगता है तो ठीक है, अगर बड़ा करना हो तो आप ये विंडो शिफ्ट करके आगे बेडरूम बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ से भी आपको बाला साहब ठाकरे का जो स्टेडियम है वो व्यू मिल रहा है, इंद्रलोक का रोड का व्यू आपको पूरा क्लियर मिल रहा है। साथ ही साथ ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, क्योंकि मास्टर बेडरूम दिया है तो इसमें कॉमनली वॉशरूम तो रहेगा ही। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसका कवर्ड का स्पेस दिया हुआ है, वार्डरोब का एक अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है। वार्डरोब का स्पेस अगर आपको मिल जाता है ना, तो एक अच्छी बात क्या हो जाती है कि आपको पूरा का पूरा बेडरूम फ्री हो जाता है। एक बेड रखने के बाद चारों तरफ से एक अच्छा मूवमेंट करने के लिए जगह मिल। और इसके बाद मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ 1 BHK का, ये पूरा अंदर से इसका व्यू है। अभी मैं आपको इसके बाद इसका एंट्रेंस लॉबी, बाहर का एलिवेशन कैसा है वो दिखाता हूँ, साथ ही साथ ओपन पार्किंग, कवर्ड पार्किंग, मेन एंट्रेंस, मेन रोड की कनेक्टिविटी क्या है, ये सब आप देख लें घर बैठे। उसके बाद आप डिटेल जानने के लिए या फिर फ्लैट खरीदने के लिए हमें फ़ोन करें। फिर इसमें क्या इन्वेस्टर का फ्लैट सस्ता मिल रहा है, बिल्डर का फ्लैट क्या प्राइस में मिल रहा है, वो सब मैं आपको हेल्प करूंगा। टिल बुकिंग से लेके जब तक कि आपको चाबी ना मिल जाती है, तब तक मैं और मेरी सेल्स टीम आपके पीछे लगी रहेगी, जब तक कि आपकी कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं हो जाती है तब तक। अभी आगे देखते हैं नीचे इसका पार्किंग वगैरह का क्या सीन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं महादेव पैराडाइज का आइए एंट्रेंस लॉबी दिखाता हूँ, कितना ब्यूटीफुल इन्होंने बनाया है। इटालियन मार्बल ग्रेनाइट के फिनिशिंग में, बेटिफाइड टाइल्स में इन्होंने बनाया है, बहुत ही खूबसूरत। और ये तो इसका पूरा का पूरा ये पैसेज एरिया है, जिसमें जो ऑलरेडी आप ऊपर देख चुके हैं, नीचे का एक बार आप फिनिशिंग देख लें। ये सब देखने के बाद, समझने के बाद फिर आप सिर्फ ख़रीदने के लिए हमें फ़ोन करें हमारे दिए हुए नंबर पर। क्या बेस्ट प्राइस, क्या डिस्काउंट हो सकता है, वो भी मैं आपको सब करवा के दूंगा। 2 स्टेयरकेस और 4 लिफ्ट के साथ, 4 इन्होंने हाई स्पीड लिफ्ट के साथ, मॉडर्न लिफ्ट के साथ इन्होंने बनाया हुआ है। ये 4 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस के साथ बना रहे हैं ये। एक फ्लोर पे टोटल 8 फ्लैट का इन्होंने प्रोविजन किया हुआ है। CC, OC, BMC वाटर गैस पाइपलाइन वगैरह सारा टाइटल इसका क्लियर है। आप पूरा पेमेंट दें और लॉक एंड की फ्लैट तुरंत आपको हैंडओवर हो जाएगा। इसमें कोई वेट एंड वॉच नहीं है। लोअर फ्लोर, हायर फ्लोर, सभी ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ मेन रोड से आपको कनेक्टिविटी भी बहुत बढ़िया मिल जाता है। अभी मैं महादेव पैराडाइज का आपको नीचे का ओपन स्पेस दिखा रहा हूँ। बाइक पार्किंग, कार पार्किंग का जो एरिया है ये आप देख लें। साथ ही साथ इस तरफ आपका मेन एंट्रेंस है, मेन रोड से जो आप एंट्री करते हैं, ये मैं आपको अंदर साइड से दिखा रहा हूँ। बिल्डिंग का एलिवेशन कैसा है, ये आप देख सकते हैं। 8 माले का स्ट्रक्चर है, 8 माले का बिल्डिंग का एलिवेशन इसका इस टाइप का है। और अभी मैं आपको
एंट्रेंस लॉबी दिखाता हूँ किस टाइप का है। अभी आप देख सकते हैं महादेव पैराडाइज के बिल्डिंग के बैक साइड के स्पेस में मैं खड़ा हूँ। इसके दो एंट्री और एग्जिट है। फिलहाल तो ये इसका एग्जिट गेट बंद किया हुआ है क्योंकि एक मेन एंट्री गेट चालू है। तो इस तरफ भी आपको पार्किंग का, वाटर टैंक का, बाइक पार्किंग का और कार पार्किंग का फैसिलिटीज़ दिया हुआ है। साथ ही साथ इस तरफ भी आपको ओपन स्पेस काफ़ी अच्छा खासा दिया हुआ है। अगर आप पार्किंग खरीदना चाहते हैं तो आप पार्किंग खरीदें, अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो इतना स्पेस है कि आपके पास अगर दो तीन गाड़ी भी हो ना तो भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इतना काफ़ी स्पेस इन्होंने बाइक पार्किंग, कार पार्किंग के लिए दिया हुआ है। अभी देखते हैं इसका मेन एंट्रेंस और मेन रोड का कनेक्टिविटी कैसा दिया हुआ है, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये इंद्रलोक रोड है, ये सीधा सीधा दीपक हॉस्पिटल को जाता है मीरा भाईंदर रोड के लिए। मेट्रो स्टेशन यहाँ से मुश्किल से 4 से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है मेट्रो स्टेशन आपके लिए। और ये आप देख सकते हैं महादेव पैराडाइज का मेन एंट्रेंस है। यहाँ से आपको मेन एंट्रेंस मिल जाता है महादेव पैराडाइज का। इसका एरिया है जो मैं ऑलरेडी आपको अंदर का तो दिखा ही चुका हूँ। नीचे कुछ ग्रोसरी स्टोर वगैरह, सुपरमार्केट वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। अभी आप, मैंने आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखा चुका हूँ। अब आप ख़रीदने के लिए या डिटेल जानने के लिए मुझे कॉल जरूर करें दोस्तों। काफ़ी सारे लोग मेरे वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिल्डर के पास। उनको ऐसा लगता है कि उनका ब्रोकरेज बच जाएगा, सीपीस का फीस बच जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डायरेक्ट बैठ के बेचे अपने प्रॉपर्टी को। किसी ना किसी को वो हायर करता ही है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। उनकी हाईली स्किल्ड सेल्स टीम होती है जो अच्छा खासा उनको एक अच्छा सैलरी लेती है और कमीशन भी साथ साथ लेती है। तो आप डायरेक्ट जब प्रॉपर्टी जाते हैं ना परचेस करने के लिए, तो एक उनके सेल्स टीम के मन से ये फियर निकल जाता है कि मैं इनको क्या प्राइस दूंगा। कोई बीच में आर्गुमेंट करने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जो भी उनका कोटिंग प्राइस होता है, जो होर्डिंग बोर्डिंग लगता है, जो ऑनलाइन प्राइस वो रिवील करते हैं और जो वो प्राइस क्लोज करते हैं, इसमें एक अच्छा खासा अमाउंट का डिफरेंस होता है। तो आप एक बात ये जान के रखें कि जब आप सीपी के साथ जाते हैं ना प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, तो सीपी को पता होता है कि एक्चुअल वहां का प्राइस क्या है। वो इस सब्जेक्ट में आपको बहुत हेल्प करता है। 5-5, 10-10 लाख रुपया मैंने बचाया है कई बार कस्टमर को लाइव। जब मैंने बुकिंग कराया है तब देखा मैंने कि बगल वाले कस्टमर से जो प्राइस लिया गया और मेरे कस्टमर से जो मैंने प्राइस दिलवाया काफी डिफरेंट था। और ये मैं आज का नहीं, करीबन 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं दोस्तों। जब आप बिल्डर के पास डायरेक्टली चले जाते हैं और एक बार टैग हो जाते हैं ना, तो 3 से 6 महीने के लिए टैग हो जाते हैं। बिल्डर का, डेवलपर का कहना ये कि हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं, आप इंटरफेयर ना करें प्राइस के मामले में, डिस्काउंट के मामले में। एक बार याद रखें, कभी भी आप प्रॉपर्टी परचेस करने जाएं तो सीपी को फर्स्ट टाइम साथ में लेके जाएं। आपको ये पता ही नहीं है कि वहां पे एक बार आप टैग हो जाएंगे तो बाद में सीपी भी आपके लिए प्राइसिंग के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो साथ में फर्स्ट टाइम आप लेके जाएं। दूसरा, आपको वहां पे डिस्काउंट क्या है, स्कीम क्या है, ऑफर क्या है, ये भी पता नहीं होता है। कभी कभी तो स्टैंप ड्यूटी ऑफ रहता है और आपसे ले लिया जाता है। आपको मालूम ही नहीं है तो पैसा किसी को काटता नहीं, ऐसा सीधा सीधा आपसे ले लिया जाता है कि इसका स्टैंप ड्यूटी 10 लाख रुपए आपको पे करना है। कभी कभी प्रीफर लोकेशन चार्ज PLC ऑफ रहता है, कभी कभी फ्लोराइज ऑफ रहता है। ये सब अगर आपको पता ना हो ना, तो सीधा सीधा 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया इस चीज के नाम पे ले लिया जाता है। इसमें भी सीपी आपको हेल्प करते हैं। एक प्रोफेशनल जो लोग होते हैं ना, वो प्रोफेशनल्स की कीमत प्रॉपर जानते हैं। जो लोग जीवन में कभी कभार 10 साल, 20 साल, 5 साल में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या एक्चुअल गेम होता है। लेकिन जो लोग हमेशा 2 साल, 3 साल में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते रहते हैं, उनको पता होता है कि सीपी या फिर डीलर को ले जाने में क्या फायदा है। उन्हें पता होता है कि क्या यहाँ पे डिमांड सप्लाई होगा, मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्या सस्ता क्या महंगा समझ में आएगा। एक प्रोफेशनल के साथ काम करने के बाद आप सही तरीके से समझ पाते हैं कि उस काम को कैसे अंजाम देना है। इन्वेस्टर को देखेंगे तो हमेशा वो किसी ना किसी को साथ में लेके, भले उनके पास प्रॉपर्टी का नॉलेज डायरेक्टली उन्होंने कहीं से लिया हो, ऑनलाइन लिया हो, ऑफलाइन लिया हो, किसी के रेफरेंस से लिया हो, लेकिन वो अपने किसी ऐसे पर्सन को साथ में जरूर लेके जाते हैं जिन्हें पता होता है उस प्रॉपर्टी के ABCD के बारे में कि क्या चल रहा है, प्राइस वहाँ का, डिमांड सप्लाई क्या होगा, फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी का प्राइसिंग कहाँ जाएगा और क्या होगा। दोस्तों, किसी ना किसी को साथ में जरूर लेके जाएं। आपके पहचान में, जान में कोई नहीं हो तो आप हमें फोन करें, हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि हम लोग जिसको भी प्रमोट करते हैं इंटरनली जानते हैं वहाँ का बॉटम प्राइस क्या है, वहाँ का स्कीम, डिस्काउंट, ऑफर क्या है, क्या वहाँ डिमांड सप्लाई आएगा, प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ओवरऑल सब कुछ जानकारी रखने के बाद ही हम उसका प्रमोट करते हैं। तो आप ये बात जरूर समझ लें, किसी भी प्रॉपर्टी में बुकिंग करने जाएं तो सीपी को जरूर साथ में लेके जाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।